बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उनके जिन्होंने इनकार किया। साहबा ने आज़ के, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने इनकार किया। एक और हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला दीन के इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि उसको बंदे के सीनों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा, हत्ता कि जब कोई आलम दीन बाकी नहीं रहेगा तो लोग जहलों को सरदार बना लेंगे, उनसे दीनी मसाइल पूछेंगे तो बग़ैर इल्म के फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ हो अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखो और गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो, ये नेकी इस गुनाह को मिटा देगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को वज़ू करके सोए तो एक फ़रिश्ता उसके पास से रात गुजरता है, जब वो शख्स उठता है तो वह फ़रिश्ता कहता है, अय अल्लाह अपने फ़लाँ बंदे की मगफ़रत फरमा, क्योंकि वो वज़ू करके सोया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता करे।